गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी इसके लेखक है काका कालेकर। इसके लेखक कौन है? काका कालेकर। इसमें देखो उन्मीकरण है, उद्देश्य है, विद्या विशेष है, लेखक परिचय। तो पहले हम क्या करेंगे? उन्मीकीकरण। कलकल करती नदियां सारी, छमछम करती बूंदे प्यारी, सरसर करती हवाएं न्यारी, जनजन होवे ए बलिहारी। ये जो कविता की चार लाइन दी है, कलकल करती नदियां सारी, छमछम बहती नदियां सारी, सरसर करती हवाएं न्यारी, जनजन होवे ये बलिहारी। देखो ये कविता ये दिए है, इसमें क्या दिया है? नदियां कैसी बहती है? कलकल वर्षा ऋतु में पानी गिरता है, पानी की वजह से नदियां भरती है, नदियों में पानी आता है और पानी कैसा बहता है? कलकल करती है और बहती है, छम छम करती बूंदे प्यारी, और वर्षा के बूंद कैसे गिरते हैं? छम छम। सरसर करती हवाएं न्यारी, और हवाएं भी कैसे आती है? सरसर सरसर सर। जनजन होवे ये बलिहारी, और पानी गिरने से सब जन क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। यहाँ पर किसमें, यहाँ पर देखो प्रश्न देखो, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? यहाँ पर एक नदियों के बारे में बताया गया है। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बताइए। गंगा, गोदावरी, ऐसी नदियाँ हैं। गोदावरी नदी के बारे में आप क्या जानते हो? देखो भाई, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है, इससे बहुत सारे ठिकान पर इस पर बांध बना है, जिसके कारण ये बांधों का पानी हमारे खेती के लिए उपयोगी है। ये हो गया उन्मीकरण। नेक्स्ट देखिए उद्देश्य इसमें है। छात्रों को यात्रा वृत्तांत साहित्य की विद्या का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली से परिचित कराना, और इसके साथ लेखक काका कालेकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा और रचना शैली का ध्यान कराना इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ का यह उद्देश्य है कि तुम जो प्रवास करते हैं, कहीं किसी गांव को जाते हैं, कहीं किसी विलेज स्टेशन देखने जाते हो, तो यात्रा करते समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, वहाँ क्या था, देखने लायक क्या था, वहाँ का वातावरण कैसा था, ये लिखना चाहिए। लेखक काका कालेकर ने भी वैसा ही लिखा है। उनकी भाषा सरल और सादी है, जो कि कोई भी पढ़ने से समझ सकता है। विद्या विशेष यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख शिक्षा विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ के में लेखक किसी दर्शनीय स्थल में से संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। देखो विद्या विशेष यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत ये क्या है? एक गद्य की विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल के संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियाँ को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करता है। देखो लेखक क्या करता है इसमें, किसी स्थान का या किसी दर्शनीय स्थल का
उसको उसका अनुभव लेता है, उसका आनंद लेता है और उसको ज्ञानवर्धक यानी कि सरल माध्यम से उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी भी काका कालेर का द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत पाठ है, जो इनकी रचना सप्तसरिता से लिया गया है। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखो ये पाठ कैसे लिया गया है, सप्तसरिता से। ये पाठ किससे लिया गया है, सप्तसरिता से। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। गोदावरी का जो वर्णन है ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य ओरिजिनल जो गंगा बहती है वहां से उन्होंने वर्णन किया है। ये हो गया विषय विद्या विशेष। देखो हमने देखा उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विद्या विशेष, लेखक परिचय। छात्र के लिए सूचनाएं देखो, विशेष प्रवेश ध्यान से पढ़िए, ध्यान में पाठ्य विशेष समझिए। देखो हमने ध्यान से पढ़ा है पूरा और पाठ्य विशेष समझना चाहिए जो भी है उसमें वो समझना चाहिए। पाठ ध्यान से पढ़िए, शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उनके सीधा उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। तीसरा पॉइंट है रेखाएं की शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। देखो तुमने जो रेखा खींची है उसके नीचे शब्द के नीचे हार्ड वर्क जो भी है हार्ड वर्क तो उसके लाइन नीचे अंडरलाइन खींचिए और वो समझ में नहीं आए तो शब्दकोश में ढूंढिए डिक्शनरी में। समझ में नहीं आने वाले अंश को तो छात्र समूह में अध्यापक से चर्चा कीजिए। जो समझ में नहीं आते तो क्या कर दीजिए, चर्चा कीजिए उसके बारे में। नेक्स्ट है देखो विशेष प्रवेश। विषय प्रवेश गोदावरी नदी धीर गंभीर माता पूर्वजों की अधिष्ठाई देवी मानी जाती है। गोदावरी नदी धीर गंभीर है, कैसी है, धीरे बहने वाली माता और धीर गंभीर माता और पूर्वजों की अधिष्ठाई देवी मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, माता और पूर्वजों की अधिष्ठाई देवी माता मानी जाती है। इसके जल में अमोघ शक्ति है, गंगा के ये गोदावरी नदी के जल में क्या है, अमोघ शक्ति भरपूर शक्ति है। इसके तट पर अनेक शूरवीरों तत्व ज्ञानियों, देखो ये कैसी नदी है, शक्तिशाली, क्योंकि इसके तट पर अनेक शूरवीरों तत्व ज्ञानियों साधु संतो राजनीतिज्ञों और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। किसने किसमें जन्म लिया है इसके तट पर, शूरवीरों युद्ध करने वाले तत्व ज्ञानियों ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी लोग साधु संत राजनीतिज्ञों जो राजनीति करते हैं बड़े बड़े महान और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। और ईश्वर के भक्तों ने यहाँ जन्म लिया है, कहाँ, गोदावरी के तट के किनारे। और ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कालेकर ने द्वारा हुआ है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन किया है काका कालेकर ने, इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम असल पाठ में जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विद्या विशेष, लेखक परिचय,
छात्रों के लिए सूचनाएं और विशेष प्रवेश कर रहे हैं, विषय में प्रवेश कर रहे हैं। देखो पाठ देखो, आप विस्तार से मैं पढ़ रहा हूं। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए भेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। लेखक किसमें है? ट्रेन में है। कहां से ट्रेन चालू हो गई? चेन्नई से। चेन्नई से राजमहेंद्री कहां जा रही है? राजमहेंद्री। उसमें लेखक कौन है? लेखक बैठे हुए। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए भेजवाड़े के आगे सूर्योदय हुआ। देखो कहां लेखक चेन्नई से बैठे तो भेजवाड़ों के आगे, भेजवाड़ा गांव है उसके आगे क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे इसलिए पूछना ही क्या। देखो बरसात के दिन होने के से उसमें पूछना ही क्या, क्या होता है सब तरफ पानी ही पानी होता है। जहां तार विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। देखो बरसात में क्या रहता है? पानी दिखाई देता है और हरियाली हरे हरा हरा दिखाई देता है। पूर्व की तरह एक नहर में नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। पूर्व की तरह इस भाषा के इस दिशा की ओर एक नहर रेल की पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। एक रिवर जो है, नदी जो है, किसकी ओर बह रही थी? रेलवे पटरी इस तरफ जा रही थी, इसके पीछे से ही, इसके बाजू में ही क्या कर रही थी? पटरी के किनारे किनारे बह रही थी। पटरी की किनारा ऐसा है और उसके बाजू में ही क्या बह रही है? एक नहर बह रही, नहर मीन्स नदी। पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी दिखता, कभी कभी ही दिख पड़ता था। देखो ट्रेन ऊपर से चल रही थी, बाजू में क्या था? रिवर। लेकिन ट्रेन का किनारा ऊंचा होने के कारण कभी कभी पानी बहते हुए दिखाई देता था, नहीं तो क्या दिखाई देता था? उसके पार्ट दिखाई नहीं देते थे। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौका पर ही हम नहर का अनुभव करना पड़ता था। देखो हम क्या करते थे? ट्रेन से जा रहे थे, उस किनारे की ओर एक नहर बह रही थी। वो नहर कभी कभी दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी। लेकिन क्या दिखते थे हमको? नौकाओं पर ही नहर का अनुमान करना पड़ता था। उसमें क्या चल रही थी? नौका। नौका मीन्स सिर्फ स्मॉल फॉल स्वीप। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते थे। बीच बीच में क्या मिलते थे? तालाब, इन चरों। इनमें रंग बिरंगी बादलों वाला आसमान नहाते देने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता था। देखो बड़ा पानी दिखने के बाद क्या दिखाई देता है? उस पर आसमान, वहां आसमान की छटा उसमें गिरती है, आसमान की छाया उसमें गिरती है, आसमान उस पानी में दिखाई देता है। तो हमें लगता था कि आसमान इसमें तैरने के लिए, नहाने के लिए आए, और इसमें पानी की गहराई और भी अता हो जाती। देखो इसके कारण पानी की गहराई कैसी दिखाई देती है? बहुत दूर दिखाई देती है। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगलों को देखकर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करते तो मन उछल पड़ता। देखो भाई कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच, देखो कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच, कमलों के जो फूल रहते उसके बीच क्या रहते थे? बगुले। क्या करते थे? उन बगुलों को देखकर सवेरे की ठंडिया का हवा का अभिनंदन करने को मन करता था। उन बगुलों को देखकर ऐसा लगता था कि वहाँ ठंडी है, ठंडी में बगले ऐसे बैठे वाले हैं। इस तरह
कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोच्चूर स्टेशन आ गया। इस तरह हम वर्णन करते हुए सोचते हुए हम आगे चल रहे थे, कौन सा स्टेशन आया, कोवूर स्टेशन आ गया। मन में एवं भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। अब मालूम हुआ कि ये कोवूर स्टेशन से आगे किसके दर्शन होने वाले हैं, गंगा मैया के दर्शन होने वाले हैं। मन में हमारे क्या थी, एक ही उमंग थी, क्या उमंग थी, मन में ये उमंग भरी हुई थी कि आप यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। यहाँ से किसके दर्शन होंगे, गोदावरी मैया के भी। पुल पर से गुजरते समय दाहे या बाहे हम पहुंची उधेड़ बुने थे। देखो भाई, कोई लोग इधर से देख रहे थे, कोई लगा बाहे से देख रहे थे, कोई दाहे से देख रहे थे। पुल आ गए, जाते जाते क्या आ गया, पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाठ दिखाई पड़ा। देखो भागमती गोदावरी का विशाल पाठ दिखाई पड़ा। देखो ये गंगा नवरी गोदावरी को क्या कहा लेकर भागवती, क्या दिखाई पड़ा, विशाल पहाड़ दिखाई पड़ा, ऐसी बहुत बड़ी हुई नदी दिखाई पड़ी। मैंने गंगा सिंधु सोनभद्र एरावती जैसी का महानदियों के निशान महानदियों के विशाल प्रभाव देखकर भरकर देखे। मैंने लेखक कह रहा है कि मैंने किसका किसका विशाल प्रवाह देखा, गंगा सिंधु सोनभद्र एरावती ये नदियों को विशाल सोनभद्र देखी। भेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता हूँ। भेजवाड़े के कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता हूँ, लेकिन राज महेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली होती है। लेकिन राज महेंद्र के बाद गोदावरी की शान शौकत कुछ अलग ही निराली होती है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य गया प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह दिखाओ। देखो गोदावरी के किनारे जितना मैंने काव्य या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया, उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह नहीं किया हो। पश्चिम की तरह नजर फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की घोषणाएं श्रेणियां नजर आई। दूर दूर तक पहाड़ी की क्या हो गई, श्रेणियां, बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दी। आसमान में बादल घिरे हुए रहने के कारण सूरज की धूप का कहीं नामो निशान न रहा। देखो आसमान में क्या थे, बादल ही बादल थे, इसलिए सूरज का दर्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी के धूली सुमरित मट मैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। देखो बादलों का रंग सांवला होने के कारण, बादल का रंग कैसा था, सांवला, काला काला था, उसके कारण गोदावरी के धूली दूषित मट मैले जल के झाई और की गहरी हो रही थी। देखो भाई पानी उससे क्लीन दिखाई देता क्या, नहीं। हवा आने के कारण, मेघ आने के कारण धूली दूषित मटमैले जल की झाई और भी गहरी हो रही थी। उसकी घाई जो है पानी नीचे जो है वो क्या हो रहा था, गहराई दिखाई दे रहा था।
ऊपर नीचे की और नीचे की जाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव की शीतल और सिद्ध सुंदरता पाछाई हुई थी। देखो झाई झाइयों पे पानी पे उसकी छाया गिरने के कारण ठंडी और सिग्न सुंदर छाई हुई थी और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। और पहाड़ी पर जब बादल उतरते हैं तो कैसे लग रहे हैं, वो ऋषि मुनियों की तरह कौन बादल लग रहे हैं। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है, देखो इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। यह इतना सारा पानी कहां से आता होगा, यह इतना सारा पानी कहां से आता होगा, कौन सी नदी आकर इसको मिल रही है। विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र, पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरह अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। देखो ऐसे में से विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ, देखो कठिनाइयों से पार होने के बाद, विजय होने के बाद हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता है, उसी तरह गोदावरी का अखंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि एकादा राष्ट्र जीतकर विपत्तियों में से जीतकर जब खुश होता है, जब आता है, कैसा दिखता है, सुंदर दिखाई देता है। वैसा ही गोदावरी के पात्र का पाठ पहाड़ियों में से जंगलों में से आकर जब पूरी तरह से दिखता है तो ऐसा लगता है कि छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं। देखो उस नदी में छोटे बड़े जहाज क्या है, वो नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में ही मनमानी नाचे, खेले, उछले और कूदे, तो उसे इसमें रोकने वाला कौन है, कोई भी नहीं। देखो नदी में छोटे छोटे नाव, छोटे छोटे नौकाए उस पात्र में जब है तो क्या करते हैं, उसकी गोद में, माँ की गोद में, एक माँ की उपमा दी है, माँ के बच्चे जैसे गोद में खेलते हैं वैसे ही गंगा के, ये गोदावरी के बच्चे कौन है, छोटी छोटी नावें, छोटी छोटी नौकाए, तो क्या करते हैं, गोद में ही खेलते थे, कभी उड़ते थे, कभी जाते थे, नाचे, खेले, उछले और कूदे, तो उन्हें इतने इनसे इससे रोकने वाला कौन है। देखो भाई माँ के पास बच्चे खेल रहे हैं तो उनको रोकने वाला कौन है। वैसे ही गोदावरी नदी में छोटे छोटे नाव, छोटे छोटे नौका जब खेलते हैं तो उनके रोकने वाला कौन है, कोई भी नहीं। नाच, खेले, उछले और कूदे, तो उन्हें रोकने वाला कौन है। लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां जहां पड़ते हुए भौरों को देनी चाहिए। देखो लेकिन बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा नावों को देने से अच्छा किसको देनी चाहिए, भौरे, जो भौरे ऐसा पानी गोल घूमता है और बीच में हवा जाती है तो
धड़ाल बोल के साउंड आता है। भौरवपूर्ण देनी चाहिए किसकी उपमा? माँ की उपमा। बच्चों की उपमा भौरव को देनी चाहिए क्योंकि वो आवाज करते हुए आते हैं, आवाज करते हुए जाते हैं, कभी दिखाई देते तो कभी दिखाई नहीं देते। कुछ दिखाई पड़ते हैं, कुछ दिखाई पड़े तो थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग ऊंचा नचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो भाई जब ये भौरे घूमते हैं एक ही बार आशा क्या करते हैं, साउंड करते हुए आते हैं और एक ही बार क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। भौर न जाने कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। ये भौरे पानी में कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये कोई बता सकता है क्या? नहीं। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का प्रचंड उत्सव है। नदी का किनारा किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव। किनारे पर इसके सफेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। देखो किनारे पर के सफेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक महान उपासना है। किसको? नदी, नदी के किनारे। परंतु इतने ही से काव्य का संपूर्ण नहीं हो जाता, इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिर के नाद की और लहरों को इस पार से उस पार तक पहुंचते रहते हैं। देखो भाई नदी के उस पार क्या है, मंदिर है, इस पार भी मंदिर है। लोग क्या करते हैं, इस पानी को क्रॉस करते हैं, तैर के जाते हैं, नाव में बैठ के जाते हैं, पहुंचते हैं, क्या करते हैं, वहां जाकर घंटा नाद करते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह पर गंगा जल के साधे कलश गोदावरी में उंडलते हैं और फिर गोदावरी जल से कलश भरकर ले जाते हैं। देखो संस्कृति के उपासक भारतवासी, देखो भाई कुछ संस्कृति के उपासक रहते भारतवासी रहते हैं। इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उंडलते हैं। देखो ये गंगा जल, गंगा का पानी, वाटर जो है, पानी जो है वो लेके आते हैं यहाँ आधा लोटा उड़ा देते हैं। उसको क्या कहते हैं, कलश। कलश में पानी लेके आते हैं गंगा का और इस गोदावरी में आधा डालते हैं और आधे में पानी भरकर कलश भरकर ले जाते हैं। माता गोदावरी राम लक्ष्मण और सीता को लेकर बूढ़े जुदाई तक सबको तूने ही स्तनपान कराया है। लेखक कहता है कि माता गोदावरी ला राम लक्ष्मण और सीता को लेकर बूढ़े जटाई तक सबको तूने स्तनपान किया है, लेकिन सबको तूने दूध पिलाया है, पानी दिया है, सब कुछ किया है। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए। तेरे तट पर कौन पैदा हुए? शूरवीर और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी, और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी। साधु संत भी जन्मे। कौन कौन जन्मे? साधु संत भी जन्मे हुए, जन्म लिया है। किसने? साधुओं ने, संतों ने। धुरंधुर राजनीति करने वाले, राजनीति भी और ईश्वर भक्त भी। हमारे देश में राज करने वाले राजनीतिज्ञ और नेता लोग, इन्हों नेता लोग ईश्वर भक्त भी चारों वर्णों की। तो ईश्वर भक्त भी क्या लिया है, क्या यहाँ जन्म लिया है? ईश्वर के जो भक्त है उन्होंने भी यहाँ जन्म लिया है। चारों वर्णों की
तू माता है, तू किसकी माता है? चारों वर्ण मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठाई देवी है। मेरे पूर्वजों की तू क्या है? अधिष्ठाई है। यानी कि हमारे पूर्वज जो है उनकी तू कौन है? अधिष्ठाई बड़ी देवी। नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूं। नई नई आशाएं, आशाएं क्या है? आशाएं मीन्स मन में हमारे जो भाव है वह। अभी हमारे मन का भाव है, भाव क्या है हम किसको बताते हैं? जिस जो सर हमारे भाव जो सफल करता है उसको ही बताते हैं, जो हमारे मन के भाव जानता है उसको ही हम बताते हैं। नई नई आशाओं को लेकर तेरे दर्शन के लिए आया हूं। मेरी नई नई आशाएं, ये आशाएं लेकर मैं क्या आया हूं? तेरे दर्शन के लिए आया हूं। तेरे जल में अमोघ शक्ति है। तेरे जल में क्या है? अमोघ शक्ति, भरपूर शक्ति है। तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे तू मां गोदावरी ऐसी है, तेरे नदी का जल का एक बूंद भी सेवन करे तो, पानी की पानी का एक बूंद भी सेवन करे तो व्यर्थ है क्या? नहीं, व्यर्थ नहीं जाता। तो ये इस तरह ये श्लोक है। नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मक, भाषा की बात, परियोजना कार्य।